हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ये 1200Y है सैमसंग का 1200Y। इसमें प्रॉब्लम है कि जैसे हम चार्जिंग कनेक्ट करते हैं तो ये ब्लिंक होता है, ठीक है। ये सिर्फ ऑटोमेटिकली मतलब ब्लिंक होता है। चार्जिंग जो बैटरी परसेंटेज वाला होता है वो आता है जाता है, मतलब ये चार्ज नहीं ले पा रहा है, ठीक है। जैसे कि इस वीडियो में आप देखें तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम कैसे इसको ठीक करना है। तो इस वीडियो में जुड़े हुए रहे और मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 2 पॉइंट इसमें चार्ज है, दिख रहा है, कंप्लीट तरीके से ऑन भी हो चुका है, लेकिन चार्जिंग जब कनेक्ट किया तो देख सकते हैं आप ये ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक फ्लैचुएट टाइप का यानी कर रहा है, ठीक है। तो इसको नॉर्मली देख सकते हैं, चार्जिंग को निकाल भी दें फिर भी वो ब्लिंक करते ही है। तो इसको इस वीडियो में हम ठीक करके दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। नॉर्मली आपको यहाँ पे ज़रूरत है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईसी जो है वो जला हुआ है, देख सकते हैं आईसी जला हुआ है। तो इसमें कैसे इस प्रॉब्लम को सही करना वो देखें। सबसे पहले इस आईसी को पहले निकाल लेना है आपको, ठीक है। तो इसको पहले निकालते हैं हम। जैसे कि ये आईसी निकल चुका है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक स्क्रैप बोर्ड आपको सेम बोर्ड आपको निकालना है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं आईसी निकल चुका है, स्क्रैप बोर्ड एक आपको लेना है 1200Y का। उसके बाद जो है वहां से आपको, जैसे कि देख सकते हैं ये फ्रेश एकदम निकला हुआ है, ट्रैक सब सही है, प्रिंट वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है वो देखें आप इस वीडियो में। प्रिंट बिल्कुल सही है। तो एक आपको स्क्रैप बोर्ड आपको निकालना है, जैसे कि मेरे पास अवेलेबल है, दिखाते हैं। स्क्रैप बोर्ड को लेना है, उसके बाद यहाँ से आपको आईसी को निकाल लेना है, ठीक है। इसका तरीका लगाने का आपको बताते हैं, जैसे कि रिबोलिंग सिस्टम से आपको बिल्कुल नहीं लगाना है, इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस आईसी को पहले निकाल लेना इस बोर्ड से, उसके बाद यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली आप पेस्ट से साफ करके डायरेक्टली आप लगा दे, ठीक है। डायरेक्टली आईसी को जो है वो यहाँ पे बैठा दे आप। जैसे ये बैठ चुका है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। देख सकते हैं ये